हर दिन एक बतख और एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ एक सुंदर सा नदी के पास घूमने जाती थी। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद बतख अपने बच्चों के साथ नदी पार होती। उस समय मुर्गी नदी के पास अपने बच्चों के साथ खेल कूद करती। ये सुन के मुर्गी ने बोला, देखो सुना बेटा, वो सब बतख हैं, इसीलिए पानी में तैर सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। और हम सब मुर्गी हैं, उड़ तो सकते हैं, लेकिन पानी में तैर नहीं सकते। लेकिन बच्चा जिद करने लगा, नहीं मम्मी, मुझे तो जाना ही है उस पार। आप सभी को यहाँ पर रहना है तो रहो, लेकिन मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ऐसा मत कहो, सभी तुम्हें बुरा लड़का कहेगा। ये सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी उस पार जाना ही है। ये सब सुन के मुर्गी सोच में पड़ गई। आखिर कैसे अपने बच्चे का ख्वाहिश पूरा करे। उसी वक्त मुर्गी को उदास देख के बतख ने बोला, क्या हुआ मुर्गी जी, अपना तबीयत तो ठीक ठाक है? अरे बतख बाबू, पूछो मत। आप सब जब कल चले गए थे ना, मेरा छोटा बेटा बहुत ही जिद करने लगा। वो भी तुम्हारे साथ नदी पार होना चाहता है। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन समझता ही नहीं। अच्छा, अब समझ में आया तुम इतना उदास क्यों हो। लेकिन इसका एक हल मेरे पास है, सुनना पसंद करोगे? बोलिए ना, बोलिए ना, कुछ भी बोलिए। मेरा तीन बच्चा तुम्हारे तीन बच्चे को अपने ऊपर बैठा लेगा और तुम मेरे ऊपर बैठ जाना। उसके बाद हम सभी नदी पार जाएंगे और खूब सारा मजे करेंगे। ठीक ऐसे ही ख्वाहिश पूरा हुआ मुर्गियों का। उसके बाद तुमने मेरा आज जो मदद किया है, मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। ऐसे मत बोलो दोस्त, देखना तुम भी एक दिन मेरे कोई ना कोई काम में आई जाओगी। ऐसे ही इन दोनों का दोस्ती गहरा से और भी गहरा हो गया।